जाति आधारित जनगणना को लेकर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हुए थे और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। उस टीम में बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा जी भी थे, हमारे साथ हैं, वो इनसे हम बात करेंगे क्या क्या बात हुई उनसे और आपने क्या क्या मुद्दा वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। देखिए ऐसा है, यह बिहार विधानसभा में 2019 में और 2020 में सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि जाति आधार जनगणना होना चाहिए और मेरा भी मानना है कि जाति आधार जनगणना होने से समाज में द्वेष खत्म होगा। इन्हीं बातों को लेकर डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, चूँकि हम लोग सदन में जब चल रहा था तो हम आदरणीय तेजस्वी यादव सब लोग मिल के इनसे आग्रह किया कि जाति आधारित जनगणना होने से समाज में द्वेष कम होगा, बिहार का विकास होगा। तो उन्होंने समय मांगा प्रधानमंत्री से, वो एग्री करके, और जब समय मिला तो हम लोग सभी लोग गए, सभी दल के नेता गए, जितने दल हैं विधानसभा में 10, सबके नेता गए। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से शुभ बधाई देता हूँ कि आपने इतनी गंभीर बातों को, सबकी बात सुना, एक एक करके आपने सबका सुना। सबका आप सुनने के बाद उन्होंने यही कहा कि साहब इस पर हम चिंतन करेंगे और इस पर फिर आप लोग को बताएंगे। लेकिन मैंने उनको साफ शब्दों में कहा है कि देखिए, उच्चतम न्यायालय ने भी 50% आरक्षण की बात की है, आप अगर जाति जनगणना पूरा कर लेंगे तो आपकी सब जाति की आपको जनगणना जब पता रहेगा तो उसके हिसाब से आप आरक्षण दे सकेंगे। 50% क्रीमी लेयर को दीजिए किसी भी जात में और 50% नॉन क्रीमी लेयर मतलब गरीब लोगों को। जब तक आप जाति जनगणना और उनकी आर्थिक स्थिति नहीं पता चलेगी तब तक हम लोग सही उन लोगों के प्रति सही निर्णय नहीं लेंगे, सरकार नहीं ले पाएगी और काम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ना नहीं कहा, उन्होंने मुझे लगता है कि उनके चेहरे के जो हाव भाव थे और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, निश्चित तौर पर इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने की बात है। और लेकिन अभी उन्होंने निर्णय नहीं दिया, लेकिन हम चाहते हैं बिहार के हित में, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए ताकि जो लोग उपेक्षित लोग हैं चाहे वो किसी भी जात के हों, निश्चित तौर पर उनका विकास होगा। और यह काम अगर हो जाता है तो बिहार की जनता और देश की जनता हम लोग के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी बधाई देगा। और भी कुछ मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई? नहीं, इस बार सिर्फ हम लोगों ने तय किया था कि जो सदन में पारित हम लोग के जाति आधार जनगणना उसी पर हम लोग बात करेंगे और कोई बात हम लोग नहीं किया। और बातें बहुत है, बाढ़ वाला जो स्थिति है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज देने की बात, कोरोना में जो स्वास्थ्य की हालत रही उसकी बात, हम लोग फिर से टाइम लेके फिर से हम लोग डेलीगेशन इन बातों पर करेंगे। क्योंकि एक साथ अगर 2-4-5 आप बात लेके जाते हो तो आपका एक भी काम नहीं होता, जो बात असली है उसको गौन हो जाता है। इसलिए अभी जाति आधारित जनगणना से सभी का विकास होगा, बिहार के साथ साथ देश का विकास होगा। हमारे साथ थे सीएलपी लीडर अजीत शर्मा जी। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित जनगणना पर बातचीत हुई है और आगे जो है बाढ़ के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी बातचीत होगी और डेलीगेशन जो है टाइम निकाल कर उनसे मुलाकात करती रहेगी। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।